राजधानी लखनऊ में निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय निषाद ने शनिवार को एक प्रेस वार्ता आयोजित की। आयोजित प्रेस वार्ता में उन्होंने कहा कि बीते दिन जो 8 सीटों पर मतदान हुआ है उससे साफ जाहिर हो गया है कि देश में बीजेपी सरकार एक बार फिर से बनने जा रही है। प्रेस वार्ता के दौरान उन्होंने ये भी कहा कि मछुआरा समाज भारतीय जनता पार्टी के साथ है। भारतीय जनता पार्टी सबका साथ सबका विकास का काम करती है। इसके आगे उन्होंने बताया कि मेरे ऊपर जो हमला हुआ है वो सिर्फ मेरे ऊपर नहीं पूरे मछुआरा समाज के ऊपर हमला है। मैंने गृह विभाग में गृह मंत्री अमित शाह को पत्र लिखा है और उनसे जेड प्लस सिक्योरिटी की मांग की है, जिस पर गृह मंत्री अमित शाह ने आश्वासन दिया है कि जल्द ही इसका निस्तारण किया जाएगा। लखनऊ से संवाददाता रेहान की रिपोर्ट। हमला हुआ था, मेरे समाज पर हमला था और इसका जवाब हमारा समाज जो है वोट के समय देगा। और उनके शीर्ष नेतृत्व को फिर से अपील करना था कि ऐसे गुंडों पर लगाम लगाएं, नहीं तो समाजवादी पार्टी समाजवादी पार्टी की तरफ हो जाएगा। इनका इतिहास रहा है कि बहन जी के ऊपर हमला रहा, मुख्यमंत्री पर हमला हो सकता, तो मैं तो मंत्री हूँ और हमारी जो सुरक्षा है वो जेड प्लस की बढ़ाई जाए। हमको लगता है कि शीर्ष नेतृत्व सुन रहा और जल्दी हो जाए। हमला